जो कोई भी इस दिन और युग में यीशु पर विश्वास करता है वो भारी दबाव में है। संसार की अनैतिकता के अनुरूप होने का दबाव, सफलता के उपायों को अपनाने का दबाव, गंभीर दबाव। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आस्था के मामले में आप कहां हैं, लेकिन चाहे आप आस्थावान व्यक्ति हो या नहीं, चारों ओर देखिए, देखिए कि लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, वे एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। गिरती नैतिकता का शादियों पर, परिवारों पर, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत ही कुरूप है, सुंदर नहीं है। और फिर भी जैसे जैसे चीजें खराब हो रही हैं, जैसे जैसे लोग एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, एक अच्छे व्यक्ति पर इस दुनिया के तौर तरीकों के अनुरूप बनने का दबाव कहीं इतना अधिक नहीं रहा। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 2:15-17 वचन में, तुम ना तो संसार से और न संसार की उन वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अंत में दुनिया की बुराई के अनुरूप होने का मतलब ऐसा करने से सभी दबावों के बावजूद भी ईश्वर के प्रति शत्रुता है, जब हम अपने मूल्यों को बदलते हैं, जब हम अपनी वर्तमान संस्कृति के सबसे खराब स्तर में मेल खाने के लिए अपने मानकों को कम करते हैं। तो हम अब यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हम खोए हुओं का अनुसरण कर रहे हैं। परंतु जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।